धार जिले के सरदार सरोवर की डूब गांव निसरपुर को पुनर्वास पर विस्थापित जरूर कर दिया गया। मस्जिद के लिए जगह भी दी पर ईदगाह की जगह नहीं मिलने से ईद की नमाज उरी बागनी नदी के किनारे पर पुरानी वीरान जगह में अदा की। पिछले दो वर्षों से लॉकडाउन के चलते अपने घरों में नमाज की, लेकिन इस बार जब समाज ने एक साथ इबादत की तो उन्हें पिछले तीन दिनों से साफ सफाई करनी पड़ी, तब जाकर आज नमाज अदा करने की जगह नसीब हुई। डूब में आने के बाद से लगातार मांग करने के बावजूद NVDA ने मुस्लिम समाज को ईदगाह की कोई जगह आवंटित नहीं की और न ही इस बारे में कभी चर्चा की। भारतीय न्यूज के लिए निसरपुर से घनश्याम पाटीदार की रिपोर्ट। सभी को ईद मुबारक हो। आज हमने निसरपुर के मुस्लिम समाज के लोगों ने पुरानी निसरपुर में ईदगाह में नमाज अदा की है। उसका कारण ये रहा है कि शासन की लापरवाही और हम लोगों की मजबूरी ये रही है कि हमें ना तो प्रशासन ने ईदगाह का पैसा दिया है और ना हम जो जमीन चाहते हैं वो जमीन दी है। इसलिए शासन से हम ये चाहते हैं कि हमारा मुआवजा और ईदगाह की जगह हमें जल्दी से जल्दी दी जाए, वरना इसी तरह नमाज हमेशा यहीं पर अदा की जाएगी। Subscribe now to most exciting channel ever.